बल्लभगढ़ स्थित एक विद्युत कार्यालय पर बिजली विभाग के कर्मचारी अपनी कई लंबित मांगों को लेकर आज प्रदर्शन करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और बताया कि उनकी कई मांगे पिछले लंबे समय से रुकी हुई हैं, लेकिन अभी तक सरकार की ओर से उन पर कोई कदम नहीं उठाया गया। बिजली विभाग के कर्मचारियों का आरोप है कि उनमें से कई कर्मचारियों का प्रमोशन और कई अन्य भत्ते सरकार ने रोक दिए। हमारा 4 दिन का प्रोग्राम है, ये 9 से 11 का हमारा 2 घंटे का प्रोग्राम रहेगा। अभी हमने पीछे जो हड़ताल करी थी फोर्डमेज के साथ मिलके, उसमें हमारे सभी साथियों की आज तक जो है छुट्टियां पास नहीं हुई, सबकी प्रमोशन रोक दी गई। कच्चे कर्मचारी जो हमारे 10-12 साल से लगे हुए हैं, आज तक सरकार ने कोई पॉलिसी नहीं बनाई। और साथ में हमारे जो है अफसर कहते हैं कि भाई हम मशीन से हाजिर लगाएंगे, जबकि हमारा कर्मचारी 16-16 और 18-18 घंटे काम करके जाता है। आपने हड़ताल की थी, उसका भी कोई मुद्दा सरकार बता रही है कि आपने हड़ताल की थी बिना बताए? नहीं, ऐसा कुछ मुद्दा नहीं था। हमने जो भी है नोटिस दे के हड़ताल करते हैं, जो भी आज भी जो हम ग्रीन मीटिंग कर रहे हैं, इसका भी हमने अफसरों को नोटिस दे दिया है, बता दिया गया है कि भाई हमारी जो है 4 दिन हमारा गेट मीटिंग का प्रोग्राम रहेगा 9 से 11 का। ऐसा नहीं है कि हम बगैर पूछे कोई भी काम अपनी सेंट्रल काउंसिल के बगैर हम कोई काम नहीं करते। वहीं इस पूरे प्रदर्शन के दौरान हैरान करने वाली बात ये थी कि विद्युत कर्मियों के साथ साथ विभाग के कई आला अधिकारी इस हंगामे के बीच अपनी सीटों से नदारद दिखाई दिए। कुछ उपभोक्ता विभाग द्वारा की गई बिजली के बिलों में भारी गड़बड़ी को लेकर परेशान नजर आए तो कई बिजली विभाग के कर्मचारी ही परेशान दिखे। उपभोक्ताओं ने बताया कि वो पिछले कई दिनों से अपने गलत आए बिजली बिलों को सुधारने के लिए चक्कर काट रहे हैं, लेकिन अभी तक उनकी सुनवाई कहीं नहीं की गई। हर 2 महीने में कम से कम 8,000 का बिल भेज रहे हैं और रीडिंग ज्यादा 250-300 यूनिट आती है 2 महीने में, लेकिन 1 साल से लगातार यही चल रहा है हमारे साथ। फ्यूल चार्ज कितना भी सही, लेकिन 250 यूनिट पर 8,000 का बिल तो नहीं बनेगा फ्यूल चार्ज में भैया। और सुनवाई कोई होती नहीं, बिल को सही करते नहीं, बिल भेजते नहीं, 1 साल से तो बिल ही नहीं आ रहा घर पर। आज यहाँ आए तो क्या? आज यहाँ तो कोई, यहाँ तो भीड़ हो रही है लेकिन काम करने कोई तैयारी ना है। ये कह रहे हैं कि यहाँ तो आदमी नहीं हमारे पास में, सरकार भर्ती नहीं करेगी तब तक मतलब काम ही नहीं होगा। अच्छा, ये बहाना लगा कर काम ठप कर रखा है और कह रहे 4-5 दिन हम तो ऐसी हड़ताल करेंगे। 8 महीने से लगातार 50,000 से ऊपर बिल आ रहा है और हर बार 10 चक्कर काट के ठीक करवाया जा रहा है। अब की बार भी यही प्रॉब्लम, 118 यूनिट आई हैं और बिल आया 54,000 रुपये का। तो अब आए हैं तो देखो हड़ताल हो रखी है, कल लास्ट डेट है, अब जुर्माना लगता हो। आपकी, मैं बिजली का बिल भरने आया हूँ जी, और पिछला बिल भी मेरा 5-4 महीने से मैं रोज़ चक्कर काट रहा हूँ। आज के कभी 1 लाख का भेज देते हैं, कभी 1.5 लाख का बिल भेज देते हैं। पिछला बिल जो मैंने ठीक कराया 5 दिन बराबर मैं यहाँ पे आया हूँ, इन्होंने कही कि एप्लीकेशन ले ली आपकी, मैंने लेटर पैड पे एप्लीकेशन दे रखी है इनको और बोले आगे से आप कोई दिक्कत नहीं होगी। अब फिर इन्होंने 21,000 का बिल भेज रखा आज मेरा बिगर रीडिंग के। 60% लोग बिल भरने के लिए परेशान हैं और सबके बिल गलत आ रहे हैं, कोई रीडिंग का बिल नहीं है किसी का, कोई सुनवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं है, कोई पूछ नहीं, कोई तैयार नहीं है। अब देखना होगा कि कब इस परेशानी का समाधान सरकार करेगी। सत्य खबर के लिए फरीदाबाद से मनोज सूर्यवंशी की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।